चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको जस्ट स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस कर दूं, अगेन हो सकता है आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस हों। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो लोग मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा वॉइस को लेकर इशू हो सकता है, ठीक है? जस्ट आप एक या दो क्लासेस तक वेट करना, उसके बाद आपको मेरा वॉइस प्रॉपरली समझ में आएगा। क्योंकि हो सकता है आप डिफरेंट प्लेस से बिलोंग करते हो, मेरा प्लेस डिफरेंट है, नेटिव प्लेस डिफरेंट है, इसलिए बोलने का टोन जरा सा डिफरेंट हो। लेकिन एक दो क्लास फिनिश करने के बाद सबको इजीली समझ में आएगा, ठीक है? इसमें स्पेशली वॉइस की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पढ़ाने का तरीका हुआ वो आपको इतना अच्छा लगेगा कि हो सकता है किसी केस में आपको वॉइस क्लियरली समझ में ना आए, लेकिन जस्ट मेरे जो क्लासरूम के डायग्राम्स होंगे उससे आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोगों को इस कोर्स से इंट्रोड्यूस कर दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है, एक बार फिर से मैं ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा। पाइथन के कई सारे वेरियंट हैं, इसका लेटेस्ट वर्जन है जस्ट 3.x, ठीक है? अपने जो पाइथन में लेटेस्ट वर्जन डिस्कस करने वाले 3.x, एक्स का मतलब क्या है? इस में भी 0.0, 0.1, 0.2, 0.9 लाइक दैट, इस 3.x। यहाँ पर टोटल पाइथन के अभी तक कितने वर्जन लॉन्च हुए हैं सब कुछ अपन डेप्थ में डिस्कस करेंगे अभी। उसके अलावा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ इस कोर्स के टाइमिंग में, थ्रू आउट दिस कोर्स एटलीस्ट 1000+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको गूगल फॉर्म के लिंक के फॉर्म में डेली क्लास वाइज प्रोवाइड करूंगा, टॉपिक वाइज। मतलब जो टॉपिक क्लास में फिनिश होगा करेंटली, इमीडिएटली आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर सको। प्लस मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं क्लासरूम में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? कोई भी टेस्ट कंप्लीट करने के बाद या फिनिश करने के बाद आपके सामने जो भी डाउट्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, उनको रेगुलर क्लासरूम में डिस्कस करने वाले अपन। उसके साथ साथ इंटरव्यू से रिलेटेड कोडिंग प्रोग्राम भी डिस्कस कर रहे हैं, समथिंग 200+ प्रोग्राम्स। मीन्स इतना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब आपका ये पाइथन कोर्स फिनिश हो जाएगा, एंड ऑफ दिस कोर्स, आप पाइथन में कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू हो, ठीक है? ये सारे के सारे टेस्ट पेपर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे यूजिंग गूगल फॉर्म। पूरा ड्यूरेशन मैं आपको, वैसे तो मैंने सब कुछ रिकॉर्डिंग के फॉर्म में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं जस्ट एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, डेली आपका टाइमिंग इसका फिक्स है 5 to 6:30। मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ, आप लोग ज्वाइन करने से पहले डिसाइड कर लेना आप इस टाइम में रेगुलरली पढ़ पाओगे या नहीं, क्योंकि मैं इसका टाइमिंग चेंज नहीं कर सकता। उसका रीजन है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इसको प्रोफेशनल और ऑफिशियल टाइम में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कॉलेज से इसका परमिशन नहीं है। इस बैच के अंदर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जेआईटी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, प्लस कुछ स्टूडेंट्स अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू ज्वाइन हुए जो कि नॉन जेआईटीएंस हैं, राइट? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जेआईटी के हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नॉन जेआईटी भी होंगे शायद। तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट मैंने टाइमिंग फिक्स किया इसका, फाइनली 5 to 6:30 रेगुलर टाइम रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो आगे चल के इसको 5 to 7 भी कर सकते हैं। मीन्स अभी बिगिनिंग लेवल पर और स्टार्टिंग में इसका टाइमिंग अपना 1.5 घंटे का रहेगा, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में इसका टाइमिंग 2 आवर्स का ही रखने वाला हूँ। मैं ये सब कुछ स्टार्टिंग में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अभी मैंने आपसे कोई फीस नहीं लिया है, राइट? तो आप फीस पे करने से पहले अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि इस टाइमिंग, ये टाइमिंग आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। आपके क्लासेस मंडे टू सैटरडे, ठीक है? 120 आवर्स के क्लासेस होंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसको एक्स्ट्रा टाइम में भी कवर करेंगे। नियरली 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, इस 2 से 2.5 महीने का कोर्स रहेगा। इसका ड्यूरेशन ज्यादा हो सकता है, मतलब 120 आवर्स हो सकता है, आपको पाइथन के हिसाब से ऐसा लगे ज्यादा टाइमिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर जो भी डिस्कस करने वाला हूँ आपको, मैंने फुल सिलेबस प्रोवाइड किया है, वो सिलेबस में आप टॉपिक देखना, एक बार पाइथन फिनिश हो जाएगा आपको कभी भी लाइफ में कोई नया टॉपिक नहीं मिलेगा। मीन सब कुछ कवर होने वाला है, और सब कुछ कवर करना है तो टाइमिंग लगेगा इसमें। फीस की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका टोटल फी 2000 है, जिसमें से जो जेआईटी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका भी टोटल फी 2000 ही है, नो डाउट, लेकिन आपको केवल 1000 अमाउंट पे करना है, ओनली 1000। रिमेनिंग 1000 आपके कॉलेज से मुझे प्रोवाइड होगा, इसलिए आपके लिए मैंने केवल पेबल अमाउंट कितना रखा है 1000, रिमेनिंग अमाउंट आपके अटेंडेंस के बेसिस पर मुझे कॉलेज से मिल जाएगा, ठीक है?
रिमेनिंग जो स्टूडेंट जेआईटी कॉलेज को बिलोंग नहीं करते हैं उनका फी मैंने 2000 रखा है। सबसे अच्छी बात, आप अगर ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हो स्टार्टिंग के 5 डेज के क्लासेस मैंने आपके लिए टोटली फ्री रखे हैं, पर जो बिगिनिंग 5 डेज क्लासेस हैं उनको आप डेमो ना समझें। ये मत सोच लेना कि अभी डेमो चल रहा है तो अभी से मुझे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, जब मिस एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। तो जो डेमो सेशंस हैं, डेमो का मतलब मेरी तरफ से ये है कि स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स आपके लिए फ्री हैं। अभी आपको कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने की नीड नहीं है, लेकिन 5 डेज के बाद, लेकिन मैं जो सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ day 1 ऑनवर्ड्स आपका एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट डे से ही आज की क्लास से मैं आपका सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा। उसके अलावा आप स्टार्टिंग में जब आप अगर सेटिस्फाई होते हो तो फर्स्ट 5 डेज के क्लासेस अटेंड करने के बाद इनिशियली सबको 500 अमाउंट पे करना है रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में या बिगिनिंग अमाउंट, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आपको विद इन 15 और 20 डेज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट। रिफंडेबल की बात करें, अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका अटेंडेंस मिनिमम 90% है, अगर आपने मेरे क्लासेस में रेगुलर क्लासेस में कम से कम आपका अटेंडेंस 95% है, उसके बावजूद अगर आपको कोर्स से सेटिस्फेक्शन नहीं, किसी भी रीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपका फुल 100% अमाउंट रिफंडेबल मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी मैंने अकाउंट डिटेल्स आपको दे रखा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आई थिंक सिलेबस सबके पास होगा। देखते हैं इस कोर्स के अंदर टोटली दैट मच ऑफ यूनिट्स अवेलेबल है, फुल कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर किया है। टोटली सिलेबस में 17 यूनिट्स में फिनिश करने वाला हूँ, राइट। प्लस अच्छी बात आपके लिए होगी कि सिलेबस के मींस पाइथन के साथ साथ आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर वाले भी प्रॉब्लम डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि मैं पाइथन के अंदर आपको फुल कलेक्शन नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर को कवर करता है, लाइक अ टपल्स लिस्ट सेट लाइक दैट एवरीथिंग। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अगर वॉइस को लेकर स्टार्टिंग में किसी को इशू आता है, जस्ट आप 2 डेज तक वेट कर लो। 2 डेज के क्लासेस फिनिश करने के बाद जब मैं एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद किसी को वॉइस को लेकर कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वो एक अलग बात है, मैं अपनी पर्सनल वॉइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक स्मॉल थोड़ा सा सॉल्यूशन देना चाहूंगा। ड्यूरिंग क्लासेस अगर आपका कोई क्लास मिस होता है, राइट, या फिर किसी दिन हो सकता है वेदर की वजह से कोई नेटवर्क इशू है, उस केस में मैंने जस्ट आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो लेक्चर्स को अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है, तो आप उस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी रिकवर कर सकते हो। लेकिन मैं वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में आपको कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, उसका रीजन है जस्ट सिक्योरिटी रीजंस। मैं अपने कोर्स को जस्ट पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए सम ऑफ वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपके साथ मुझे लगता है जेन्युइन प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम और सम अदर रीजंस, या आपने जस्ट एडवांस में मुझे ऑलरेडी बोल रखा है कि सर मैं पर्टिकुलर डे में क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, उस दिन का मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, लेकिन रिमेनिंग वीडियो कम्प्लीटली आपको नहीं मिलेंगे। मीन्स अप्रोक्सीमेटली बोला जाए तो 40% वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करने की तैयार रहूंगा, ठीक है। तो ये भी ये कोई इशू नहीं रहेगा, अगर किसी डेज आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास मिस हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप वीडियो से रिकवर कर सकते हो। अगर किसी को अभी वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस समझ में नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर नेटवर्क इशू है तो आप लॉग आउट करके फिर से री लॉग इन कर लो, मैं आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। और अगर वॉइस क्लियरिटी नहीं है पर्सनली तो उस केस में 1-2 दिन का वेट करो, मेरी वॉइस इतनी जल्दी आपके लिए समझना पॉसिबल नहीं, थोड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ, मैं टॉपिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, आपको 100% समझ में आएगी कोई भी टॉपिक हो, इसकी फुल गारंटी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया, जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर अपन कोई भी यूनिट फिनिश करते हैं, सभी यूनिट के एंड में उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे, इंटरव्यू प्रॉब्लम भी डिस्कस किए जाएंगे। मीन्स
हो सकता है आपको इसका फी मार्केट के कंपैरिजन में कम लगे। मैंने जो फी रखा है मैं समथिंग 2000, मार्केट के कंपैरिजन में हो सकता है कम हो, लेकिन आपको नॉलेज यहाँ फुल मिलेगा, इसको फी से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। जिस टाइप से, जिस ऑर्डर में मैंने सिलेबस को मेंशन किया है, सेम ऑर्डर में अपन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, राइट। इसके अलावा अभी आपका कोई पर्सनल क्वेरी हो, एक और बात बाद में आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, एनी वन, जब तक वो टॉपिक फिनिश नहीं हो जाता तब तक आप अपना, अगर आपके माइंड में आपका कोई भी पर्सनल क्वेरी आ रहा है तो तब तक आप उस टॉपिक को फिनिश होने तक का वेट करो, क्योंकि आप बीच में ही कोई क्वेश्चन सेंड करोगे तो उस केस में अदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा, डिस्टरबेंस होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके रिप्लाई नहीं करूंगा, आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा, लेकिन जस्ट आपको टॉपिक फिनिश होने तक का वेट करना है। रीजन, क्योंकि अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लासेस से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉपिक मटेरियल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। कोई भी टॉपिक में अगर आपको करेंटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक स्टार्टिंग करते ही वो फिनिश हो जाता है, या सब कुछ एक या दो स्टेटमेंट में समझाना पॉसिबल है। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कब तक, जब तक ये टॉपिक फिनिश नहीं हो जाता है। क्योंकि मुझे अपना पढ़ाने का तरीका पता है, जब मैं बोल दूंगा ये टॉपिक ओवर हो चुका है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपके पास कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, आपके पास पर्सनली उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। ये मेरा पढ़ाने का तरीका ही नहीं है कि मैं टॉपिक फिनिश कर दूं और आपको समझ में ना आए। तो इसलिए जब तक टॉपिक फिनिश नहीं हो जाता तब तक अपने आप को होल्ड करके रखना है। पढ़ाने का तरीका क्या है, आपको स्टार्टिंग के 2 और 3 डेज के क्लासेस में ही पता चल जाएगा। जैसा कि आपने शायद यूट्यूब और फेसबुक पर रिव्यू भी चेक किए होंगे, कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, फाइनली स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर से सुन लेना, बीच में आपको अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आ रहा है, मैं आपसे खुद आपको टाइम दूंगा पर्सनली, टॉपिक फिनिश करने के बाद, हर टॉपिक के बाद मैं सबसे पूछूंगा आपका कोई पर्सनल डाउट या क्वेरी आप पूछ सकते हो। उस टाइम में आप जितने क्वेश्चन चाहो उतने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, चाहे वो पाइथन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज से। मैं जितने भी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ उसमें से आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन एट एनी टाइम पूछ सकते हो। जस्ट आपके रेगुलर क्लासेस को सेव करने के लिए, डेली वाइज जो भी मैं क्लासेस पढ़ाऊंगा उसमें प्रैक्टिस करूंगा। नोट्स की भी बात करें तो नोट्स मैं क्लासरूम में ही बनाऊंगा, मतलब मेरे पास ऐसा नहीं है कोई भी मतलब ऑलरेडी रेडीमेड नोट्स हैं, उन नोट्स को देख देख के पढ़ाऊंगा या फिर स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, ये मेरा पढ़ाने का तरीका ही नहीं है। सारे नोट्स, सारे पॉइंट, सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने डिजाइन किए जाएंगे एट ए टाइम, कुछ भी यहाँ पर प्रीडिफाइन नहीं है। रेडीमेड फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब जो रेगुलर क्लासेस में नोट्स और एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको डे टू डे प्रोवाइड किए जाएंगे, और मैं सारे के सारे कंटेंट्स डे टू डे आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। जो वीडियोज होंगे वो भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। अपने पास 2 ग्रुप है, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम। व्हाट्सएप के अंदर अगर मुझे कोई अनाउंसमेंट करना है तो अनाउंसमेंट से रिलेटेड मैसेज मैं व्हाट्सएप में शेयर करूंगा। सेम आप अगर कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको कोई भी डाउट आता है, इस अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो उस टाइम पर, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे तो आपको अगर डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। जब भी मैं फ्री रहता हूँ उस टाइम में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में केवल कंटेंट शेयर करने के लिए बनाया गया है, वहां पर अपना कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, जस्ट आपके क्लासेस, डेली क्लासेस से रिलेटेड कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए जस्ट एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, पाइथन क्लासेस। ठीक है, तो डेली वाइज जो भी कंटेंट्स होंगे, मटेरियल होगा, आपको इसी फोल्डर में सेव करेंगे डे बाई डे। जैसे आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे के लेक्चर और आज से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे उनको स्टोर करने के लिए सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, समथिंग क्लास वन और वन क्लास वट एवर। नेक्स्ट डे का जो क्लास होगा उस फोल्डर का मैं नेम यूज करूंगा क्लास 2 क्लास 3, लाइक दैट। तो इस टाइप से डे वाइज सेपरेट मटेरियल आपके पास अवेलेबल होने वाला है, राइट। नोट्स की बात करें तो नोट्स में सेपरेटली मैनेज करने वाला हूँ, रेडीमेड फॉर्म में कुछ भी नहीं रहेगा, जस्ट यूनिट 1। जिसने मेरे स्टार्टिंग के 5 डेज के क्लासेस फुली अटेंड कर लिए,
उस पर मुझे पूरा भरोसा है, वो सारे क्लास अटेंड करेगा, कंटिन्यू करेगा। अगर एक दो लेक्चर आप देख के छोड़ते हो तो उसमें मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। क्यों, स्टार्टिंग में मोस्टली आप अपने सीनियर से भी डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि जो लोग प्लेसमेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं मुझसे, उनसे डिस्कस कर सकते हो। उनके साथ भी फर्स्ट और सेकंड डे सबके साथ प्रॉब्लम आता है, इसलिए आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करना चाहिए। डेली क्लासेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स में विद डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? सारे डायग्राम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइक अ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, जो रेगुलर क्लासरूम में डायग्राम्स होते हैं उसी टाइप के आपको डायग्राम्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर डायग्राम्स को लेकर भी कोई इशू नहीं आएगा, मैं सारे एग्जाम्पल्स भी डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग बोला है एनोटेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आप स्क्रीन कैप्चर कर सको। उसको मैं डिजेबल इसलिए कर रखा है क्योंकि आप में से कुछ लोग बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। उस केस में आपको मैं फाइनली नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सारे के सारे डायग्राम्स भी प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ मैं सेव करके रखता हूँ। आपका कोई भी डेटा कुछ भी लॉस्ट नहीं हुआ, सब कुछ आपके पास क्लास के बाद में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? जितने भी डायग्राम्स क्रिएट होंगे, एग्जाम्पल्स क्रिएट होंगे, सब कुछ सेव रहेगा। क्लास टाइमिंग में आपको केवल सुनने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपका कोई भी पर्सनल क्वेरी है किसी भी बात को लेके, अभी पूछ सकते हो, 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। फाइनली उसके बाद मैं टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट 3 मिनट में सबसे पहले पाइथन इंट्रोडक्शन डिस्कस किया जाएगा, देन इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में डायरेक्टली, सबसे पहले मैं डायरेक्टली मूव करूंगा फीचर्स ऑफ पाइथन, ठीक है? मीन्स फीचर्स के साथ साथ में ऐसे कई सारे टॉपिक्स और पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको अभी तक नहीं पता हुआ इनके बारे में, मतलब इनका मीनिंग क्या होता है वो भी नहीं पता हुआ। यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है, देखा जाए तो कंप्लीटली थियोरेटिकल यूनिट है, लेकिन ये यूनिट भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप केवल ये सेकेंड वाला टॉपिक फिनिश कर लो, उसके बाद क्लास ना ज्वाइन करने का आपके पास कोई रीजन होगा ही नहीं। आपका मोबाइल टेलीग्राम ग्रुप अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालने के बाद में, ठीक है, व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे। जस्ट फाइनली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक इंट्रोडक्शन टू द पाइथन। जैसा कि आपको पता, मार्केट में पाइथन काफी हॉट लैंग्वेज है, मीन्स पाइथन ने मार्केट को काफी मीन्स हाई लेवल पर कैप्चर कर रखा है। उसके कुछ रीजंस भी डिस्कस करेंगे, वो रीजंस आपको इस सेकंड टॉपिक्स में क्लियर हो जाएंगे, राइट? जैसा कि आपको पता है, जनरली अगर बात की जाए तो पाइथन एक्चुअली क्या है, जस्ट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पीएचपी, एवरीथिंग, ये क्या है, जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी टाइप से पाइथन भी क्या है, जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जस्ट इससे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन को स्टार्ट करने से पहले, मींस कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले अच्छे से जान लेना चाहिए कि पाइथन अगर वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर चल रहा है करेंटली, तो उसके रीजंस क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पाइथन के लिमिटेशंस नहीं है, पाइथन के डिसएडवांटेज नहीं है, पाइथन के एडवांटेज भी है, पाइथन के डिसएडवांटेज भी, सब कुछ मिलेगा, देखेंगे वन बाय वन। इंट्रोडक्शन पार्ट में जस्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हु इज फाउंडर ऑफ पाइथन, इस पाइथन का फाउंडर कौन है, किस डेट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, प्लस किस वेंडर कंपनी ने इसको प्रोवाइड किया है, इसे किस टाइप का लैंग्वेज है, राइट? सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, व्हाई नेम्ड एज पाइथन, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन रहता है, व्हाई दिस लैंग्वेज नेम्ड एज पाइथन, इसको पाइथन नेम दिया गया, उसके पीछे रीजंस क्या है, एवरीथिंग। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और 2 लेक्चर्स आपके थ्योरेटिकल हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन थ्योरी भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप अगर आप कोई न्यू लैंग्वेज या न्यू टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हो तो पहले उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए।
पर ये पॉपुलर है, इसका हिस्ट्री क्या है, एक टाइप से इसके हिस्टोरिकल क्वेरी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा पाइथन का मेन फाउंडर कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ पाइथन, वैन क्यूडो वैन रोसम। पाइथन एकटा से क्या, पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, पाइथन इज अ जनरल पर्पस यूजर फ्रेंडली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स इसके साथ स्पेशली एक वर्ड यूज होता है, दिस लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली होने का रीजन क्या है, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ इसका, व्हाई दिस लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। जैसा कि हो सकता है सपोज दैट अगर आप में से कोई जावा पढ़ना चाहता है या फिर आप में से कोई डॉट नेट पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है, अगर आपको जावा सीखना है बेस्ट वे अप्रोच रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बाद आपको क्या सीखना चाहिए, सी प्लस प्लस, देन आपके लिए जावा इजिली समझना पॉसिबल है। ऑलमोस्ट सेम केस डॉट नेट में भी फॉलो होता है, अगर कोई पर्सन डॉट नेट या PHP लर्न करना चाहता है तो बिगिनर लेवल पर सभी के लिए रिकमेंडेड और सजेस्टेड लैंग्वेज क्या रहता है, ऑलवेज सी। मतलब सी सभी के लिए एक फर्स्ट स्टेप है, चाहे आप डॉट नेट पढ़ो या फिर जावा या फिर PHP और रूबी रेल्स एनी लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगिनिंग फर्स्ट टू स्टेप्स हैं वो सभी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए कॉमन है, क्या, सी एंड सी प्लस प्लस। लेकिन पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है अपने आप में जिसको विदाउट सी और सी प्लस प्लस डायरेक्टली लर्न करना पॉसिबल है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। मींस पाइथन सीखने के लिए आपको अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी नॉलेज नहीं है या बोल सकते हो टेक्निकली आप जीरो हो, तब भी आपके लिए पाइथन ईजिली समझना पॉसिबल है, दैट मच सिंपल। इसे काफी सिंपल लैंग्वेज के जो स्टेटमेंट्स हैं काफी सिंपल बनाए गए, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन इज अ जनरल पर्पस यूजर फ्रेंडली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे, वाई दिस लैंग्वेज इज नोन एज जनरल पर्पस और यूजर फ्रेंडली और हाई लेवल, सभी टर्म्स चेक कर देंगे, ठीक है? सिंपली पाइथन क्या है, पाइथन इज अ जनरल पर्पस यूजर फ्रेंडली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं जो भी डेफिनेशंस या टॉपिक से डिस्कस करता हूँ उसके अंदर जितने भी इनर वर्ड्स हैं उन इनर वर्ड्स का भी फुल मीनिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जस्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा हु इज अ फाउंडर ऑफ पाइथन। पाइथन इज अ जनरल पर्पस यूजर फ्रेंडली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इन्वेंटेड बाय द ग्यूडो वैन रोसम। इसके फाउंडर कौन है, ग्यूडो वैन रोसम। वाइल वर्किंग इन इसे उस टाइम पर जस्ट NRI इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय थे, वाइल वर्किंग इन नेशनल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट while working in National Research of Institute means in short NRI at Netherlands which place is at that time kis place pe work kar rahe the he is a working employee of NRI institute or NRI organization in Netherlands clear is python ka founder kaun hai Guido van Rossum एटलीस्ट अगर आप पाइथन सीखने जा रहे हैं तो ये तो अपने को पता ही होना चाहिए कि इसका वेंडर कौन है, राइट? इन विच ईयर पाइथन वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो इनिशियली पाइथन जस्ट अगर बात की जाए फर्स्ट टाइम पाइथन को इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 एट दैट टाइम जस्ट वर्किंग में तो था, इस डेवलपमेंट और रिसर्च में था, लेकिन इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था। पाइथन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 20th February 1991 इस फर्स्ट टाइम आप बोल सकते हैं पाइथन का फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन लॉन्च हुआ था 20th February 1991। व्हाई दिस लैंग्वेज नेम्ड एज पाइथन,
इसको पाइथन क्यों बोला जाता है? शायद इसलिए पाइथन सबसे बिगेस्ट सांप होता है, हाँ साइज में काफी बड़ा रहता है, तो बाकी सभी सभी सांपों को खा सकता है। मतलब जब से पाइथन आया है इस लैंग्वेज ने सभी लैंग्वेज को या सेक करके रखा है, ऐसा ऐसा कोई रीजन नहीं है और ना ही ऐसा कोई इंपोर्टेंस है इसका। इसको अगर नेम पाइथन दिया गया उसका सिंपल रीजन है, इसको डेवलप किसने किया है? ग्यूडो वैन रोसम ने। किसी भी लैंग्वेज का नेम क्या होना चाहिए, मीन्स अगर आप ही कोई खोज करते हो तो उस केस में आपके पास एक फुल डिसीजन है इसका नेम क्या होना चाहिए। तो एट दैट टाइम जब इन पर्सन ने ग्यूडो वैन रोसम ने जब से लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था तो उसके जस्ट टाइटल साइन करना चाहते थे एट दैट टाइम, जस्ट बोल सकते हो एट दैट टाइम। मतलब इनके लिए एक इनका फेवरेट टीवी शो था, उस टीवी शो का नेम था द मोंटी पाइथन्स, द मोंटी पाइथन्स सर्कस। ये सर्कस जस्ट बीबीसी के थ्रू ब्रॉडकास्ट होता था एट द ईयर ऑफ 1969। ये जानना सब कुछ अपने लिए जरूरी नहीं, जस्ट बेसिक हिस्टोरी इसका पता होना चाहिए, राइट? बेसिक हिस्ट्री। इस ड्यूरेशन में बीबीसी के थ्रू एक चैनल, बीबीसी जस्ट एक चैनल था, इनके द्वारा एक टीवी सीरियल और टीवी शो ब्रॉडकास्ट होता था, उसका नेम था, टाइटल था द मोंटी पाइथन सर्कस। जस्ट ये शो इनका फेवरेट हुआ करता था, जिसकी वजह से उन्होंने जस्ट इसको नेम दिया एस पाइथन। इसका सांप से कोई रीजन नहीं है, ठीक है? राइट कर लेते हैं। व्हाई दिस लैंग्वेज नेम्ड एज पाइथन। इस लैंग्वेज को स्पेशली नेम पाइथन क्यों दिया गया है? सिंपल रीजन है इसका। व्हाट एट एट 1969 टू और देयर इज पॉपुलर टीवी शो, देयर इज पॉपुलर टीवी शो ब्रॉडकास्टेड बाय द बीबीसी चैनल एट 1969 टू 1974 एट दैट टाइम देयर इज पॉपुलर टीवी शो ब्रॉडकास्टेड बाय द बीबीसी। इस टीवी शो का जो टाइटल क्या था? देयर इज पॉपुलर टीवी शो द मोंटी पाइथन्स सर्कस ब्रॉडकास्टेड बाई द बीबीसी एट 1916 टू 1974। मतलब इसे ड्यूरेशन में चैनल या ये जस्ट जो भी टीवी सीरियल था, जस्ट इनका फेवरेट शो था किसका? ग्यूडो सर का, जिसकी वजह से उन्होंने इसको नेम क्या दिया? जस्ट पाइथन, इसको यादगार बनाने के लिए, और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। इनिशियली पाइथन फर्स्ट टाइम इन्वेंट कब हुआ था? जस्ट 1989, नॉट 91। लेकिन इसको ऑफिशियली कब अनाउंस किया गया? इसका ऑफिशियल डेट क्या है? 20th February 1991। और जो पाइथन का फर्स्ट वर्जन क्या था? जस्ट 0.9। फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज 0.9। दैट इज द स्टोरी ऑफ पाइथन, ठीक है? नेक्स्ट वन। अब यहां पर मैंने कुछ टर्म्स यूज किए थे, व्हाई दिस लैंग्वेज कंसीडर्ड एज जनरल पर्पस यूजर फ्रेंडली एंड एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करना चाहूंगा जस्ट इन बेसिक, व्हाट इज मीन बाई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या रहता है? जस्ट रीडेबल। क्या बोलो इसको? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, मीन्स अगर प्रोग्रामर के लिए इसको इजिली रीड करना पॉसिबल है और ह्यूमन के लिए इजिली अंडरस्टैंड करना पॉसिबल है, सच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। सिंपली इसको आप बोल सकते हो इट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मीन्स प्रोग्रामर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अगर प्रोग्रामर के लिए कोई भी लैंग्वेज लर्न करना पॉसिबल है, जस्ट लाइक अ इंग्लिश स्टेटमेंट, सच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज हाई लेवल, राइट? तो पाइथन के जो स्टेटमेंट्स है वो काफी सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक
ठीक है। अभी जस्ट मैं पाइथन के स्टार्टिंग में आज की डेट में कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, बेसिक सिंपल एग्जांपल्स आप खुद देखोगे, इसके स्टेटमेंट्स काफी सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर सी और सी प्लस प्लस की बात करें, आपने एक ऑपरेटर देखा होगा कंडीशनल ऑपरेटर, तो कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो इसके साथ जस्ट आप फर्स्ट ऑपरेंड क्या यूज करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन, देन समथिंग ट्रू एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन वन, देन एक्सप्रेशन वेल टू। जैसा कि आपको इसका मीनिंग पता हुआ, क्वेश्चन मार्क से पहले आप प्रोवाइड क्या करते हो, जस्ट कंडीशंस। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ये ऑपरेटर आपके लिए रिटर्न क्या करता है, रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन वन। अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो ये ऑपरेटर आपके लिए रिटर्न क्या करता है, जस्ट एक्सप्रेशन टू। दैट इज द मीनिंग। लेकिन आपने प्रैक्टिकली इसको यूज किया होगा, मोस्ट ऑफ केसेस में सबके साथ इसको लेकर सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम आता है, प्लस ये ऑपरेटर देखा जाए तो एक टाइप से रीडेबल भी नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मेरे पास कोई वेरिएबल है समथिंग एक्स, एक्स के अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, लेकिन ये वैल्यू मैं डायरेक्टली असाइन न करके जस्ट कंडीशन के बेसिस पर असाइन करना चाहता हूँ, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। मतलब मेरे पास कोई वेरिएबल है समथिंग फ्लैग, एज्यूम अगर फ्लैग का वैल्यू जीरो है तो एक्स में क्या असाइन हो जाए, टेन, अदरवाइज एक्स में क्या असाइन हो जाए, फाइव। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट केवल उन्हीं पर्सन के लिए समझना पॉसिबल है जिनको टेक्निकल नॉलेज है। नॉन टेक्निकल पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस स्टेटमेंट को सभी पर्सन के लिए इजिली समझना पॉसिबल क्या नहीं, राइट। मीन्स जो लोग ऑलरेडी इस लैंग्वेज को पढ़ चुके हैं, इस ऑपरेटर को पढ़ चुके हैं, उन्हीं के लिए इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना पॉसिबल है। मीन्स ये ह्यूमन रीडेबल स्टेटमेंट है क्या नहीं, लेकिन अगर इसी का इक्विवेलेंट कोड आप पाइथन में यूज करते हो, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मान लो फ्लैग अगर कोई वेरिएबल है, अगर फ्लैग का वैल्यू जीरो है, मीन्स एग्जांपल आपने कोई कंडीशन असाइन किया है, अगर एक कंडीशन ट्रू है देन एक्स में क्या असाइन हो जाए, टेन, अदरवाइज एक्स में क्या साइन हो जाए, फाइव। दैट इज द मीनिंग। अगर यही स्टेटमेंट पाइथन में राइट करते हो, मतलब आप असाइन क्या कर रहे हो एक्स में, या तो टेन या फाइव, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि मुझे एक्स में एग्जैक्टली टेन असाइन करना है या फाइव असाइन करना है, जस्ट बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो आपने कंडीशन क्या राइट किया, फ्लैग इक्वल इक्वल समथिंग, राइट। इस केस में अगर यही कोड आप पाइथन में राइट करते हो तो आप इसी को सिंपली राइट कर सकते हो, असाइन एक्स इक्वल टू टेन व्हेन इफ इफ फ्लैग फ्लैग इज जीरो। कंडीशन क्या राइट किया, एक्स इक्वल टू टेन इफ फ्लैग इज जीरो, अगर फ्लैग का वैल्यू जीरो है, राइट, देन असाइन टेन इनसाइड एक्स, अदरवाइज और एल्स असाइन फाइव। तो आप खुद देख लो स्टेटमेंट आपके लिए रीडेबल है कि नहीं, दोनों ही के कंपैरिजन में कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए मोर रीडेबल है, फर्स्ट वन और सेकंड वन। सेकंड वन मींस इसीलिए इस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज तो है। मतलब अगर कोई लैंग्वेज कंडीशनल ऑपरेटर को इस टाइप से एक्सप्रेस कर रहा है वो लैंग्वेज भी हाई लेवल होगा, नो डाउट, लेकिन पाइथन को हाई लेवल के साथ साथ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज भी कंसिडर किया जाता है। रीजन क्यों, अदर लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पहले सी, सी प्लस प्लस इस टाइप के लैंग्वेज कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन पाइथन को सीखने के लिए आपको सी का कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं, आपके लिए डायरेक्टली समझना पॉसिबल है। आप खुद सोचो, अगर कोई छोटा सा बच्चा है उसको सिंपली इंग्लिश भी आता है, उसके लिए भी लॉजिकली से स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना पॉसिबल, मीन से फीलिंग ही नहीं आएगा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो। That is the, that much simple of Python statement. तो ऐसे कई सारे आगे भी स्टेटमेंट देखेंगे सेम एज। अगर आप सी या सी प्लस प्लस में कोई लूप चलाते हो, सपोज दैट मुझे लूप चलाना है 1 से लेकर 10 तक सी और सी प्लस प्लस में, राइट, और जावा और एनी लैंग्वेज, तो जस्ट 1 से लेकर 10 तक के लिए लूप रन करने के लिए बेसिकली आप स्टेटमेंट और कोड क्या यूज करते हो, समथिंग i इक्वल्स टू 1। अगर आपको यहाँ लूपिंग का नॉलेज नहीं है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी जस्ट आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पाइथन सिंपल क्यों है, राइट, इजी टू लर्न, उसका रीजन देखते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लूप का भी मीनिंग ना पता हो, लेकिन अगर मैं यही लूप पाइथन में यूज करूँ तो आपके लिए हो सकता है फर्स्ट टाइम में इजीली समझना पॉसिबल हो। आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल्स टू 10 समथिंग, आई प्लस प्लस, राइट, एंड सम लॉजिक्स व्हाटएवर यू वांट।
सपोज मुझे यहाँ पर जस्ट आई का वैल्यू डिस्प्ले कराना, तो सी लैंग्वेज में आप क्या यूज करते हैं, समथिंग प्रिंट परसेंट डी वैल्यू ऑफ आई। जावा में आप यूज कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई। पाइथन के मोस्ट ऑफ सिंटैक्स सी लैंग्वेज से कंपेयर करूंगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सी आएगा तभी आपके लिए कंपैरिजन समझना पॉसिबल, आप डायरेक्टली समझ सकते हो नो डाउट। ये कोड जस्ट आपने पाइथन, सॉरी किस में राइट किया, समथिंग सी सी प्लस प्लस और जावा, लेकिन इससे लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक लूप रन हो रहा है जिसका इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक, मीन्स इस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 1, 2, 3 एंड अप टू 10। अगर यही कोड या इसका इक्विवेलेंट कोड पाइथन में राइट करूं तो पाइथन में इसको राइट करने का सिंपलेस्ट वे क्या होगा, 4 i इनर रेंज, i इनर रेंज ऑफ 10 लाइक दैट। इंस्टेड में सिंपली राइट किया 4 i इनर रेंज ऑफ 10, मींस इसका मीनिंग क्या है, सिंपली आपको भी समझ में आ रहा होगा अगर आपको कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तब भी ये सिंपली इंग्लिश के फॉर्म में दिख रहा है, जब तक आई का वैल्यू इस रेंज में तब तक ये लूप इटरेट होना चाहिए। और सिंपली इसको डिस्प्ले कराना है, सिंपली यूज प्रिंट स्टेटमेंट बाय पासिंग आई। अब प्रिंट के नेम से ही समझ में आ रहा है, आप कहीं ना कहीं इससे आई का वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो, दैट इज द मीनिंग। आपको कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई पास करने की जरूरत नहीं, नथिंग, ये सबको डिस्कस करेंगे नो डाउट। अब खुद देख लो इस केस में दोनों में नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है नो डाउट, लेकिन फर्स्ट वाला लॉजिक सभी पर्सन के लिए इजीली समझना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सेकेंड कोड है किसी के लिए भी इजीली समझना पॉसिबल है। एक्चुअली यहाँ पर ये लूप स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से। अगर आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो जस्ट यूज कर सकते हो 1, ये एक्चुअली एंड माइनस 1 तक चलता है। तो लूप क्या होता है वो सबको डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं एक लॉजिकल व्यू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पास कर सकते हो 1, 11 समथिंग, ठीक है, पाइथन काफी सिंपल लैंग्वेज है, सभी के लिए इजिली समझना पॉसिबल है। सपोज दैट अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं समथिंग एक्स वाई जेड, इन वेरिएबल एक्स वाई जेड में मुझे वैल्यू असाइन करना समथिंग 10, 20, 30, तो इसको राइट करने का वे क्या हुआ, समथिंग एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20 एंड जेड इक्वल टू 30, राइट। इसी कोड को अगर आप पाइथन में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो पाइथन में इसी सिंपल कोड को आप इजीली राइट कर सकते हो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू 10, 20, 30, दैट इज द सिंपल सिंटैक्स। मीन्स ये कोड भी रीडेबल है कि नहीं, इजीली समझ में आ रहा है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली एक्स का वैल्यू क्या है समथिंग 10, वाई का वैल्यू क्या है समथिंग 20, जेड का वैल्यू क्या है समथिंग 30। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर आप कितनी बार यूज करें, जस्ट 1 time। इन जब अगर अदर लैंग्वेज की बात करें फिजिकली यही ऑपरेटर आप कितनी बार राइट करते, जस्ट 3 time। किसी भी अदर लैंग्वेज में अगर मैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात करूं तो अदर लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग ऑपरेशंस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्टार्टिंग के 2 या 3 days के क्लासेस फिनिश होने के बाद मैं आपको सेपरेटली यहाँ पर स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, आप खुद गैस करोगे स्ट्रिंग यहाँ पर काफी सिंपल है, वेरी सिंपल, आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगा कि आप स्ट्रिंग के साथ वर्क कर रहे हो, ठीक है। सारे स्टेटमेंट्स वैलिड हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं जस्ट पाइथन को स्टार्ट करने से पहले फॉर कंपैरिजन पर्पज, जस्ट मैं स्टार्टिंग में पाइथन को अदर लैंग्वेज से कंपेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर मेरे पास जस्ट कोई सी प्रोग्राम है, जस्ट वी वांट टू क्रिएट सी प्रोग्राम फॉर डिस्प्लेइंग हेलो मैसेज, इस सी प्रोग्राम के थ्रू जस्ट मुझे हेलो मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो सी प्रोग्राम के अंदर हेलो मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए मिनिमम कोड कितना रिक्वायर्ड होगा, एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी सी का आइडिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड क्या होता है, इंक्लूडिंग रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स। मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा लिया समथिंग हैज इंक्लूड stdio.h, आफ्टर दैट मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर आप राइट क्या करोगे, समथिंग प्रिंट एफ हेलो, राइट। उसके बाद मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सी का प्रोग्राम राइट कर लिया, देन उसके बाद रिक्वायर्ड क्या होता है, कंपाइलेशन, राइट, रिक्वायर्ड क्या होगा, कंपाइलेशन देन एग्जीक्यूशन, फाइनली इस कोड से आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, समथिंग हेलो।
तो मेरा इंटरेस्ट इसमें ये नहीं कि इसका आउटपुट हेलो आ रहा है क्या रहा, व्हाट एवर, जस्ट मैं बात करना चाहता हूँ केवल हेलो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए आपको सी में दैट मच ऑफ कोड रिक्वायर्ड है। अगर यही केस में जावा से कंपेयर करता हूँ, राइट, जावा, तो जावा के अंदर आपको जस्ट किस टाइप का कोड लिखना होगा, ये नहीं पूछना आपको जावा आना चाहिए, जस्ट कंपेरिजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप में से कोई भी जावा डेवलपर है तो जावा के अंदर यही हेलो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायर्ड कोड कितना हुआ चेक कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जावा के अंदर कोई भी कोड आउटसाइड क्लास अलाउ नहीं रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, समथिंग टेस्ट वाट एवर, देन मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का या वॉइड का मतलब क्या है, डजंट मैटर, राइट। केवल आपको तो ये देखना है कि केवल इस रिक्वायरमेंट के लिए जावा के अंदर कितना कोड आपको राइट करने की नीड है। यहाँ पर अगर आपको मैसेज डिस्प्ले कराना, तो जावा में मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए आप स्टेटमेंट यूज करते हो, समथिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन समथिंग हेलो और वेलकम वाट एवर, राइट। अब मैं बात करता हूँ यही कोड अगर मुझे पाइथन में राइट करना है, क्या बोलते हो, पाइथन के अंदर केवल ये हेलो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग पाइथन कोड क्या होगा, एनी आइडिया, देखते हैं। आपको डिस्प्ले क्या कराना है, जस्ट वी वांट टू प्रिंट हेलो मैसेज, राइट, क्या डिस्प्ले कराना है, जस्ट हेलो मैसेज इन केस ऑफ पाइथन, यही तो अपना पर्पज है। जस्ट लॉजिकली अगर बात करें, यू वांट टू डिस्प्ले हेलो, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया पाइथन का, हेलो को डिस्प्ले कराने के लिए एक सिंगल लाइन ऑफ कोड सफिशियंट है, इट इज कंप्लीटेड, मीन्स पाइथन के अंदर आपको स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन की भी जरूरत नहीं, इट इज ऑप्शनल, राइट। डिस्प्ले कराना सिंपली सिंपल फंक्शन नेम है प्रिंट। आप पाइथन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर ऑलरेडी लैंग्वेज आप कोई भी पढ़ चुके हो तो आप सोचोगे सर सिंगल कोट में तो कैरेक्टर आता है न कि स्ट्रिंग, याद रखना पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी राइट करना पॉसिबल है और डबल कोट के अंदर भी राइट करना पॉसिबल है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, स्ट्रिंग का एक और रिप्रेजेंटेशन है ट्रिपल कोट थ्री टाइम्स, ये सब कुछ मैं स्ट्रिंग के टाइम पर डिस्कस करूंगा, अभी अपना ये मेन डिस्कशन नहीं है, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ अबाउट डिस्प्लेइंग मैसेज। तो आप खुद देख रहे हो पाइथन के अंदर हेलो को डिस्प्ले कराने के लिए आपको मेन फंक्शन या इस टाइप के कोई स्टफ राइट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली यूज करोगे प्रिंट हेलो, दैट इज सफिशियंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। स्टार्टिंग में जब भी आपको कोई लैंग्वेज पढ़ाया जाता है तो इनिशियली स्टार्टिंग किस प्रोग्राम से होता है, हेलो वर्ल्ड के बाद सबसे पहले क्या डिस्प्ले कराया जाता है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहता है, जस्ट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। एडिशन ऑफ टू नंबर ही एग्जाम्पल के यूज किया जाता है क्योंकि सभी के लिए इजिली समझना पॉसिबल है। प्रीवियस डायग्राम मैंने सेव कर दिया है, जितने भी डायग्राम्स मैं लॉन्च करूंगा सारे डायग्राम्स आपके पास क्लास के बाद में अवेलेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में आपके लिए पाइथन किस लेवल तक सिंपल है, सिंपल तो है लेकिन ये किस लेवल तक सिंपल है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट वन, अगर सी लैंग्वेज के अंदर मुझे टू नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, यू वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ सी लैंग्वेज, दैट इज सी प्रोग्राम, राइट। तो सी प्रोग्राम में अगर आप टू नंबर का एडिशन करना चाहते हो, जस्ट मैंने यूज किया मिनिमम रिक्वायरमेंट has include stdio.h, conio.h optional होता है, not compulsory, right? टू नंबर का एडिशन कराना है तो आपको सबसे पहले टू वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करने की नीड होगी और जो भी इसका रिजल्ट आएगा रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए यूज क्या करेंगे, समथिंग थर्ड वेरिएबल, राइट। उसके बाद आपको वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, आप इन वेरिएबल्स का वैल्यू कीबोर्ड से भी रीड करा सकते हैं यूजिंग scanf फंक्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, अभी मैं फिलहाल जस्ट स्टैटिक कोड राइट कर रहा हूँ, जस्ट मुझे 10 और 20 का एडिशन कराना है, ठीक है। तो मैंने एक्स में असाइन करा लिया जस्ट 10, वाई इक्वल्स टू 20, आफ्टर दैट रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। मैं ये कोड इसलिए यूज कर रहा हूँ, एडिशन का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कोड सबके लिए इजिली समझना पॉसिबल है।
जस्ट उसके बाद अगर रिजल्ट डिस्प्ले कराना तो आप जस्ट यूज कर सकते हो समथिंग रिजल्ट इज परसेंटेज रिजल्ट लाइक दैट, दैट इज द मिनिमम कोड रिक्वायर्ड फॉर एडिशन इन सी लैंग्वेज। अगर यही ऑपरेशन मुझे जावा में परफॉर्म करना है तो इक्विवेलेंट जावा कोड क्या होगा इसके लिए, अगेन सेम केस दैट इज जावा प्रोग्राम। यहाँ पर अगेन सबसे पहले आपको क्लास डिक्लेयर करना होगा समथिंग टेस्ट और समथिंग एल्स, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एआरजीएस। सबसे पहले जावा के अंदर कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, इस केस में टू वेरिएबल्स समथिंग एक्स वाई एंड रिजल्ट, थ्री वेरिएबल्स, टू इनपुट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कराया 10, वाई का वैल्यू क्या 20। आपका इंटरेस्ट है आप चाहो तो इनपुट कीबोर्ड से भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, आफ्टर दैट फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या पास कर दोगे सिंपली रिजल्ट। That is minimum code required in Java for performing addition of two numbers, right? अगर मुझे Python के अंदर two number का addition perform कराना है, आप फिर से इसको compare करो, just same operation अगर आप Python में perform करना चाहते हो, addition किसका कराना है, x का value क्या लेना है 10, y का value क्या 20, या semicolon की भी जरूरत नहीं है। पहले एक जस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कोड राइट कर रहा हूँ, नॉट कंप्लीट कोड, समथिंग रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जस्ट प्रिंट रिजल्ट। ये कोड डायरेक्टली वर्क करेगा या कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, क्या बोलते हो, ये कोड पाइथन में कंपाइल हो जाएगा क्या? सर हम कैसे बताएं, अभी तो हमने पाइथन पढ़ा ही नहीं है, पढ़ना स्टार्ट किया है। जस्ट बेसिक लेवल पर देखा जाए, जस्ट अपने को नॉर्मली ये कोड कैसा लग रहा है, जस्ट लुक्स लाइक अ स्यूडो कोड, मींस यहाँ पर सिंटैक्स भी कंप्लीट नहीं है। अगर आप इसको सी से या जावा से कंपेयर करना चाहो, अगर कोई जावा डेवलपर है या सी डेवलपर है उसको ये कोड असाइन करोगे और अगर उसको पाइथन का नॉलेज नहीं है, वो देखते ही क्या बोलेगा, ये कोड कभी कंपाइल हो ही नहीं सकता। रीजन, क्योंकि आपने लाइन के एंड में सेमी कॉलन का यूज नहीं किया है, राइट, कोई बात नहीं। उसके अलावा बिगेस्ट रीजन क्या है, यहाँ पर इन वेरिएबल्स का कोई डेटा टाइप दिखा है क्या, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स, डेटा टाइप ऑफ वाई एंड डेटा टाइप ऑफ रिजल्ट, कोई भी डेटा टाइप नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लोग मुझसे सी या जावा पढ़ चुके हैं या कोई भी लैंग्वेज, उन्होंने देखा होगा डेटा टाइप कॉन्सेप्ट भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप डेप्थ लेवल पर इसको स्टडी करते हो, डेटा टाइप के भी इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हो सकता है आप दो क्वेश्चन भी ना बना पाओ, ठीक है। आप बोलो नहीं सर ये तो बहुत सिंपल होता है, अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे बता देना, मैं आपको 10 क्वेश्चंस पूछ लूंगा, केवल दो क्वेश्चंस का आउटपुट दे देना करेक्टली। डेटा टाइप्स भी अदर लैंग्वेज में आपके लिए बिगेस्ट इशू था, रेंज को लेकर, साइज को लेकर। मान लो आपके पास जैसे वेरिएबल है, या प्रीवियस केस में देखा जाए, अगर आप सी पढ़ रहे हो तो सी के अंदर आपने एक्स वाई का डेटा टाइप तो दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था माइंड में, व्हाट इज द साइज ऑफ एक्स, साइज ऑफ वाई, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ वाई। इस टाइप के क्वेश्चंस पाइथन में जानने की आपको कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, राइट, उसके रीजंस जस्ट नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पाइथन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा रीजन, अगर मैं नॉर्मली सी की बात करूं, अगर मुझे इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कराना है, आप जस्ट कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे समथिंग int x, यही सिंटेक्स फॉलो करते थे। मान लो अगर आपने वेरिएबल का डेटा टाइप प्रोवाइड कर भी दिया, तो थ्रू आउट लाइफ टाइम इस वेरिएबल x के अंदर आप कोई भी इंटीजर नंबर स्टोर करा सकते हो, लेकिन इस वेरिएबल x के अंदर कभी भी स्ट्रिंग या डेसिमल नंबर स्टोर करना पॉसिबल है क्या, समथिंग एबीसी व्हाटएवर, नॉट, इट इज ऑलवेज इनवैलिड। लेकिन यही केस पाइथन में ऑलवेज वैलिड होगा, मीन्स पर पाइथन के अंदर आपके पास कोई वेरिएबल है समथिंग एक्स फर्स्ट टाइम, मान लो यहाँ पर पाइथन के अंदर वेरिएबल एक्स में असाइन किया इनिशियली 10, राइट, आफ्टर सम स्टेटमेंट अगर इसी वेरिएबल एक्स के अंदर कोई डिफरेंट टाइप का वैल्यू यूज करता हूं समथिंग एबीसी, पाइथन में वैलिड होगा इनवैलिड, ऑलवेज वैलिड, देयर इज नो इशू। मीन्स सेम वेरिएबल के अंदर आप किसी भी टाइप का वैल्यू असाइन कर सकते हो एट एनी टाइम, कभी भी आपको डेटा टाइप प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है।
कभी भी आपको जानने की जरूरत नहीं है कि इस वेरिएबल का साइज क्या हुआ या फिर इसका रेंज क्या हुआ, इसका कोई क्वेश्चन है ही नहीं। रेंज कहाँ होता है? रेंज हमेशा वहां हुआ जहां पर लिमिटेशन हुआ, और पाइथन के अंदर रेंज के लिए कोई लिमिटेशन ही नहीं है। आप अगर कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो जस्ट लाइक दैट, मान लो मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स, इस वेरिएबल में मुझे जस्ट नंबर स्टोर करना है, तो किस रेंज का नंबर स्टोर करना पॉसिबल हुआ? पाइथन के अंदर आप किसी भी रेंज का नंबर स्टोर करवा लो, ठीक है, मैं इंटीजर वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी साइज का नंबर स्टोर कराओ, कभी कोई एरर नहीं आएगा और ये ऑपरेशन ऑलवेज एक्यूरेट भी होंगे विद एक्यूरेसी, राइट, मतलब यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम रेंज नहीं। ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग डेटा टाइप्स, ये आज का डिस्कशन नहीं है, जब मैं आपको डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा एट दैट टाइम काफी डेप्थ लेवल में डिस्कस करेंगे, जस्ट नेक्स्ट क्लासेस में ही पढ़ाने वाले हैं। मैं फिलहाल बात कर रहा था, वो यहाँ पर कंपेरिजन चेक करो, वन सेकेंड, इस कोड को मैं थोड़ा सा ऊपर कॉपी कर लेता हूँ समझने के लिए, कंपेरिजन पर्पज। आपने जस्ट ऑब्जर्व किया, यहाँ पर सी का कोड भी देखा, जावा का कोड भी देखा, पाइथन का। मीन्स अगर आप जावा में इस टाइप का कोई प्रोग्राम बनाते, अगर आप में से कोई जावा क्लासेस कर भी चुका है, तो इस प्रोग्राम तक आने के लिए आपको कम से कम 8 or 10 डेज के क्लासेस लग गए होंगे। अगर आप जावा प्रॉपरली कोई भी पढ़ रहा है, मीन्स इस लेवल तक जाने के लिए 8 or 10 डेज के क्लासेस की जरूरत पड़ती है, तब जाके आपके लिए जावा प्रोग्राम बनाना पॉसिबल है। सेम है सी, सी में भी आपको जस्ट फर्स्ट प्रोग्राम बनाने में काफी टाइम लगता है, लेकिन पाइथन के केस में चेक करो, आपके लिए एडिशन प्रोग्राम फर्स्ट डे में ही समझना, इजीली समझना पॉसिबल है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामर नहीं, उससे पहले आपने किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीखा, तभी भी आपके लिए कोड इजीली समझना पॉसिबल है। दूसरी बात, ये कोड पाइथन में कंपाइल हुआ कि नहीं हुआ? 100% कंपाइल हुआ विदाउट एनी प्रॉब्लम। टेस्ट कर लेते हैं, पाइथन सॉफ्टवेयर आप कैसे यूज करोगे, आप फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम कैसे राइट करोगे, राइट, ये सब कुछ मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस में डिस्कस करूंगा। मैंने सिलेबस में ये पॉइंट भी मेंशन कर रखा है, इंस्टॉलेशन, जब मैं पाइथन सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन आपको सिखाऊंगा एट दैट टाइम ये भी डिस्कस करूंगा, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम किस टाइप से क्रिएट करोगे, राइट। फिलहाल मैं जस्ट मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहा हूँ, पाइथन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मैं डेली प्रोग्राम्स, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, आपके क्लासेस के डेली मटेरियल को स्टोर कराने के लिए मैंने अभी एक फोल्डर क्रिएट किया था, वन क्लासेस समथिंग, राइट, लेकिन ये फोल्डर किसके अंदर था, सब फोल्डर क्या था, आई थिंक पाइथन क्लासेस, और पाइथन क्लास डी ड्राइव के अंदर है, तो सबसे पहले ड्राइव चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे हैंडल करना नहीं आता किसी को भी, हो सकता है कमांड प्रॉम्प्ट फर्स्ट टाइम देख रहे हो टर्मिनल विंडो, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप मुझसे पूरा फुल नॉलेज ले सकते हो कम्प्लीटली, वो भी मैं कभी फ्री टाइम में डिस्कस कर दूंगा, या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर लेंगे, ठीक है। डी कॉलन नेक्स्ट, डी ड्राइव के अंदर वैसे तो कई सारे फोल्डर्स हैं, लेकिन पाइथन से रिलेटेड फोल्डर किसके अंदर है, पाइथन क्लासेस के अंदर, तो जस्ट मुझे अगर पाइथन क्लासेस के अंदर मूव होना है, तो जस्ट यूज करेंगे पाइथन क्लासेस, सी डी चेंज डायरेक्टरी पाइथन क्लासेस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पाइथन क्लासेस के अंदर आज के प्रोग्राम स्टोर करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, क्लास वन समथिंग, राइट, दैट इज द फर्स्ट प्रोग्राम। अब मैं फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर अगर क्रिएट करता हूँ, मुझे पाइथन प्रोग्राम राइट करना, आप सिंपली नोटपैड फाइल ओपन कर सकते हो, इसको मैंने प्रोग्राम नेम दिया समथिंग test.py, ये सारे रूल डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपने देखा सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या रहता है, डॉट सी, जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा, सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या रहता है, डॉट cpp, जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट js, html के केस में डॉट html, उसी टाइप से पाइथन फाइल या पाइथन सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या यूज होता है, जस्ट py, राइट, क्रिएट करते हैं इसको, एंटर। अगर मुझे जस्ट हेलो या वेलकम मैसेज इस पे कराना है, तो सिंपल कोड आप राइट कर सकते हो लाइक दैट। आप बोलो सर ये कैरेक्टर, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ जस्ट पाइथन में इसको स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, बोल सकते हो, पाइथन कैरेक्टर डेटा टाइप को सपोर्ट ही नहीं करता है। वन मोर थिंग्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर आपको डेटा टाइप यूज करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत पाइथन आप कहीं से सीख चुके हो या कहीं यूट्यूब से आपने कोई वीडियो देखा हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है,
जस्ट मैं पाइथन फीचर एक्सप्लेन करने के बाद मीन्स फर्स्ट यूनिट फिनिश करने के बाद सबसे पहले मैं आपको पाइथन में डेटा टाइप्स ही पढ़ाने वाला हूँ। डेटा टाइप कॉन्सेप्ट अवेलेबल है लेकिन एक्सप्लिसिटली आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है या एक्सप्लिसिटली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ देखेंगे। डिस्प्ले क्या करा है, वेलकम मैसेज। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, आपको ना ही मेन फंक्शन लिखने की जरूरत है ना ही कोई क्लास लिखने की जरूरत है। सिंपली राइट करके इसको सेव कर दिया फाइल को, क्लोज इट। पाइथन प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है, जस्ट इंटरप्रेटेड, मतलब यहाँ कंपाइलेशन की आपको एक्सप्लिसिटली कोई जरूरत नहीं है। इंटरप्रेटेड क्यों बोलते हैं या इंटरप्रेटेड होने का पर्पज क्या या इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या, व्हाट एवर, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं ड्यूरिंग पाइथन फीचर्स। जब मैं पाइथन फीचर पढ़ाऊंगा उस टाइम पर इसका एक इंटरप्रेटेड फीचर भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। एट दैट टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। मीन्स सिंपली आपने एक बार पाइथन प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, अगर आप जावा डेवलपर हो तो जावा प्रोग्राम में आप पहले कंपाइलेशन करते हो यूजिंग जावा सी कमांड, उसके बाद रन करने के लिए आप सेपरेट कमांड यूज करते हो जावा। मीन्स टू स्टेप प्रोसीजर था, राइट। पाइथन के अंदर आप सिंपलेस्ट कमांड यूज करो जस्ट पाइथन, उसके बाद आपको वो फाइल नेम स्पेसिफाई करना है जिस प्रोग्राम को आप रन करना चाहते हो, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर जस्ट फाइल नेम क्या था, जैसा कि आपने देखा करेंटली फाइल नेम क्या है, जस्ट टेस्ट पाई, टेस्ट डॉट पाई, राइट। एंटर किया, आप देख रहे हो डायरेक्टली यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिला, जस्ट वेलकम। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आपने सुना होगा जस्ट इंटरप्रेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर। कंपाइलर भी क्या रहता है, ट्रांसलेटर। दोनों डिफरेंस क्या है, कंपाइलर होल कोड को एक साथ चेक करता है, अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है तो कोड लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू कंपाइलर, ठीक है। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो कंपाइल्ड लैंग्वेज सारे के सारे एरर मैसेज एक साथ डिस्प्ले करता है। इन पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यहाँ पर ट्रांसलेशन लाइन बाई लाइन होता है और एग्जीक्यूशन भी लाइन बाई लाइन होता है। मींस अगर आपने कोई स्टेटमेंट राइट किया पाइथन प्रोग्राम में, ये केस देखते हैं इंटरप्रेटेड होने का मतलब क्या है। तो प्रीवियस प्रोग्राम राइट किया था अगेन, अभी आप ये मत सोचना कि यहाँ पर मुझे तो इंस्टॉलेशन भी नहीं दिखाया गया है, प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर दें, ये सब कुछ अभी मैंने सिखाया नहीं है। तो जस्ट मैं अभी डेमो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेमो इन द सेंस इनिशियली पाइथन के साथ जस्ट फैमिलियर करना चाहता हूँ, आपको उसके एडवांटेज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद सारे स्टेप्स हम स्टेप वाइज भी आगे परफॉर्म करने वाले हैं, नो डाउट। यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया प्रिंट सम वेलकम, उसके बाद कोई स्टेटमेंट है समथिंग एक्स इक्वल टू 10+, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जस्ट स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली वैलिड है क्या नहीं, क्यों प्लस बाइनरी ऑपरेटर, टू ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद जस्ट मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ वन मोर मैसेज समथिंग एंड, राइट। तो ऑब्जर्व करो इस प्रोग्राम में कितने स्टेटमेंट है, 3। फर्स्ट, पाइथन के अंदर किसी भी लैंग्वेज में स्टेटमेंट सेपरेट किससे होते हैं, सेमी कॉलन से। लिंक पाइथन के अंदर स्टेटमेंट हमेशा लाइन से सेपरेट होता है, राइट, एवरी लाइन, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। तो सिंटैक्टिकली अपन को कहीं ना कहीं दिख रहा है स्टेटमेंट इनवैलिड है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, फर्स्ट और लास्ट वैलिड है। अगर आप ये कोड या इस टाइप का सिंटेक्स या लॉजिक सी या जावा में टेस्ट करोगे तो आपको इमीडिएटली कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ क्या, नहीं। लेकिन पाइथन में चेक करते हैं, आपको दिख रहा है इस कोड में क्या है, जस्ट कंपाइल टाइम एरर। ट्राई करते हैं, बस वो क्या हो रहा है, जस्ट सिंटैक्टिकल मिस्टेक है, जस्ट कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि यहाँ पर सेकंड ऑपरेंड मिसिंग है, यहाँ पर कोई मैसेज आया क्या, नहीं। बट सपोज दैट अगर आपके पास कोई कोड है, अगेन कोई एक ऐसा स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, यहाँ पर जस्ट सिंबॉलिक मिसिंग था, जैसे यहाँ कहने का मतलब क्या, आगे चल के मैं आपको जस्ट एक एरर टाइप का केस बताऊंगा, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, जो एरोनियस फैक्टर रहेगा, एरोनियस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर इस स्टेटमेंट के अंदर एरर, मतलब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि लाइन बाई लाइन वर्क करता है, लाइन बाई लाइन, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रांसलेट भी हो जाएगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। मीन्स आप देखोगे यहाँ पर डिस्प्ले क्या हुआ, जस्ट वेलकम मैसेज,
और अगर कोई एरर आए उसके बाद रिमेनिंग कोड स्किप हो जाएगा। मीन्स आप बोल सकते हो पाइथन कोड में अगर मल्टीपल एरर्स हैं तो आपके लिए सारे एरर्स एक साथ रिजॉल्व नहीं हो, जस्ट लाइन बाई लाइन, वन बाई वन। ठीक है, आगे इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट थिंग्स, इसमें प्रीवियस केस में कंपेयर किया, अभी जस्ट एक एडिशन का प्रोग्राम बनाने की बात कर रहे थे, तो मैंने अभी कोड क्या राइट किया था, एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 10 20, रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और जैसे डिस्प्ले कराना आप यूज क्या करोगे, सिंपली रिजल्ट। तो आप खुद ही देख रहे हैं कोड काफी सिंपल है, डायरेक्टली इसको आप रन कर सकते हो पाइथन। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके पास एक्चुअली टू कमांड्स हैं, पाइथन एंड पाई। देखते हैं इसको, फर्स्ट केस में रिजल्ट क्या, जस्ट 30। अगर आप पाइथन के प्लेस पर कमांड यूज करते हो पी वाई तो तब भी वे वैलिड है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म हो सकता है पी वाई कमांड को सपोर्ट ना कर दे, लेकिन पाइथन कमांड सभी केस में क्या स्टैंडर्ड राइट, लेकिन पी वाई हो सकता है सभी पाइथन वर्जन में सभी प्लेटफॉर्म में आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, दैट्स इट। मैंने भी बात की थी इंटीरियर, अगर आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो, इस वेरिएबल के अंदर मैं काफी लास्ट नंबर स्टोर करवा रहा हूँ लाइक दैट, वेरिएबल का नेम क्या है समथिंग एक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपली डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ एक्स, स्टिल इट इज वैलिड, देयर इज नो प्रॉब्लम, सेम नंबर आप मैच कर लेना, एग्जैक्टली सेम वैल्यू प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर रेंज की या साइज की लेकर कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो सबसे बड़ा इशू आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है राइट। अदर केस ऑब्जर्व करो, मेरे पास टू वेरिएबल्स हैं एक्स, अगर एक्स का आपको वैल्यू डिस्प्ले कराना है जस्ट वैल्यू, तो आप सिंपली यूज करोगे एक्स, लेकिन अगर मुझे एक्स का एड्रेस डिस्प्ले कराना तो सी लैंग्वेज के अंदर आप यूज क्या करते थे, समथिंग एम परसेंटाइल ऑपरेटर। जावा के अंदर एड्रेस को एक्सेस करना पॉसिबल, लेकिन सी के अंदर आपने देखा क्या यूज करते हो, एम परसेंटाइल ऑपरेटर। लेकिन पाइथन के अंदर इस ऑपरेटर के प्लेस पर आपके लिए फंक्शन है जस्ट आईडी फंक्शन। ठीक है, अगर आपको किसी वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कराना है तो सिंपली क्या यूज करोगे, वेरिएबल नेम। और अगर किसी वेरिएबल का आपको एड्रेस प्रिंट कराना है जस्ट एड्रेस, तो उस केस में उस वेरिएबल को आप आईडी नाम के फंक्शन में पास कर दोगे। एक्चुअली आईडी फंक्शन आपके लिए रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल। तो इस टाइप से पाइथन में आपके लिए वेरिएबल का सिंपल मैनर्स में एड्रेस डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक्स का कोई डेटा टाइप नहीं है फिजिकली, इसका मतलब ये नहीं कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है, पाइथन के अंदर भी डेटा टाइप कॉन्सेप्ट अवेलेबल है नो डाउट, लेकिन आप इसको सिंटेक्टिकली कभी यूज नहीं कर सकते हो, इंटरनली यूज होता है, अभी जस्ट मैं प्रूव करूंगा। ठीक है, और आगे अपन डेटा टाइप को डेप्थ में भी पढ़ने वाले हैं। अगर जस्ट मुझे जानना है कि इसमें एक्स का डेटा टाइप क्या है, तो अगर किसी वेरिएबल नेम के बेसिस पर उसका डेटा टाइप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना, तो उसके लिए पाइथन ने आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड किया है कॉल्ड एज टाइप फंक्शन। मींस अभी जस्ट मैंने नॉर्मली डिस्कस क्या किया, आईडी एंड टाइप। तो एक्चुअली आईडी यहाँ पर दोनों ही केस में इनपुट में क्या पास करोगे, सम वेरिएबल नेम। आईडी फंक्शन आपको रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल। और टाइप फंक्शन आपको रिटर्न क्या करेगा, टाइप के अंदर भी क्या पास करोगे, वेरिएबल नेम। कि टाइप फंक्शन भी आपके लिए ऑलवेज रिटर्न क्या करेगा, जस्ट डेटा टाइप ऑफ गिवन वेरिएबल। तो इस टाइप से किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट लेक्चर में ये दोनों फंक्शन आपको जस्ट इसलिए शो अप कर रहा हूँ कि जस्ट अपने लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मतलब पाइथन को समझने के लिए जस्ट बेसिक नॉलेज इनिशियली क्लियर हो जाए बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक कर पा रहे हो एक्स का वैल्यू क्या है 10, आईडी मींस सम एड्रेस एंड टाइप, टाइप मींस सम डेटा टाइप राइट। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो एक्स का वैल्यू क्या है 10 राइट। पहले ऑब्जर्व करते हैं एक बार, अभी मैं इन प्रोग्राम्स को सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ अपना आगे पढ़ने वाले हैं। या फिर अपने पास दूसरा चॉइस है, मैं रेगुलरली जितने भी क्लासरूम में प्रोग्राम्स क्रिएट करूंगा तो उन प्रोग्राम को मैं जस्ट सेव करूंगा इस सिक्वेंस में, समथिंग फर्स्ट प्रोग्राम का नेम यूज करूंगा P1, नेक्स्ट प्रोग्राम P2.py, P3.py, जस्ट इस प्रोसीजर को रेगुलर क्लासेस में फॉलो करूंगा क्योंकि बार बार मेरे लिए सभी प्रोग्राम्स के लिए यूनिक नेम रिमेम्बर करना काफी डिफिकल्ट रहेगा राइट। तो इसलिए सिंपली मैं एक सीक्वेंस फॉलो करूंगा P1.py, P2.py लाइक दैट। तो अगेन मैंने कोई सेम कोड राइट किया है, वी आर हैविंग सम वेरिएबल एज x, फर्स्ट लाइन से क्या डिस्प्ले हुआ वैल्यू ऑफ x,
सेकेंड लाइन से क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ एक्स, थर्ड लाइन से जस्ट डेटा टाइप इंफॉर्मेशन। अभी मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आईडी फंक्शन क्या करता है या टाइप फंक्शन क्या करता है, जस्ट मेन इंटेंशन है कि रियल में वेरिएबल्स के लिए कोई डेटा टाइप अवेलेबल है कि नहीं, एड्रेस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं, दैट्स इट। ठीक है, p1.py, सॉरी जावा प्रोग्रामर, इसलिए मैंने जावा कमांड राइट कर दिया। यूज क्या करना है, पाई p1.py। तो यहां पर क्लियरली देख पा रहे हो x का वैल्यू क्या था, 10, दैट इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ x। इस यहां पर वेरिएबल x क्रिएट हुआ है, उस लोकेशन का एड्रेस। एक्चुअली होता क्या, पाइथन में जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे वेरिएबल्स हमेशा ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में क्रिएट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, नो डाउट। यहाँ पर आपको क्लियरली शो रहा है व्हाट इज द डेटा टाइप, जस्ट इंट। रियल में 10 किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, जस्ट लाइक अ इंट। तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या, इंट। लेकिन पाइथन के लिए अंदर सभी डेटा टाइप के लिए प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, तो जस्ट इंट यहाँ पर क्लास कंसीडर होता है। और अगर आपने कभी क्लास का डेफिनेशन पढ़ा हो तो क्लास भी क्या होता है, ऑल्सो डेटा टाइप। क्लास क्या होता है, क्लास इज एन यूजर डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, राइट। सिंपली एनी वे जस्ट आप इस क्लास को इग्नोर करो, इसका डेटा टाइप क्या है, सिंगल कोट्स में आपको शो हो रहा है। एक बार कोई वेरिएबल डिसाइड हो गया थ्रू आउट प्रोग्राम, कभी उसका डेटा टाइप चेंज होता है क्या, नहीं, लेकिन पाइथन के अंदर पॉसिबल है। टेस्ट करते हैं, अगेन ऑब्जर्व करो, समथिंग वेरिएबल एक्स इक्वल्स टू 10 डिस्प्ले करा, मैं यहाँ पर केवल डेटा टाइप डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। कौन सा फंक्शन है, जस्ट टाइप फंक्शन, पास क्या करोगे, वेरिएबल नेम। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को जैसा कि पता आपने भी अंडरस्टूड है, 10 इंटीजर्स की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए इसका टाइप क्या प्रिंट हो जाएगा, सिंपली इंट। देन मैंने एक्स के अंदर राइट किया 2.5, राइट 2.5 इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर 2.5 जिस कैटेगरी में आता है वो टाइप डिस्प्ले हुआ, मींस फ्लोट, राइट। क्या आएगा, 2.5 किस कैटेगरी में आता है, फ्लोट की कैटेगरी में, इसलिए डेटा टाइप क्या आना चाहिए, जस्ट फ्लोट। एक्चुअली पाइथन के अंदर 14 डेटा टाइप्स अवेलेबल है, हाउ मच, जस्ट 14। ये सारे साथ डेटा टाइप में 1 by 1 डिस्कस करूंगा, उसमें से कुछ डेटा टाइप प्रिमिटिव या बेसिक कैटेगरी में आते हैं, कुछ डेटा टाइप कलेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। मींस यहां पर जावा में इसको क्या बोला जाता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। पाइथन में इस कॉन्सेप्ट है, सीरीज को नेम दिया गया है जस्ट सीक्वेंस, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। जैसे पाइथन में अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग भी सीक्वेंस के डेफिनेशन को फॉलो करता है। सीक्वेंस मींस यहाँ पर ए बी सी क्या है, कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स आपको सीक्वेंस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मींस सीक्वेंस के फॉर्म में, पहले ए देन बी देन सी, जस्ट लाइक अ सीक्वेंस, राइट। मैंने असाइन क्या किया, जस्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइम इसका टाइप क्या आना चाहिए, समथिंग फ्लोट। मैंने असाइन किया सम स्ट्रिंग एस ए बी सी, अगेन मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स। पहली बात तो अगर देखा जाए तो इस टाइप के लॉजिक्स किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स आपने मान लो, पहली बात तो आपने डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं किया है, अगर डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं किया लेकिन मीन्स पाइथन इसको ऑप्शनल रखता है, मैंने 10 असाइन कर दिया और आपने देखा भी इसका टाइप क्या आएगा, जस्ट इंटीजर। तो यहाँ से अपन श्योर हो गए एक्स का टाइप इंटीजर है। लेकिन नेक्स्ट लेवल पर जब आप ऑलरेडी बोल चुके हो एक्स इज इंटीजर, फिर इसमें आप फ्लोट कैसे असाइन कर सकते हो, राइट। मान लो आपने यहाँ पर बोल दिया एक्स इज फ्लोट, तो फिर आप उस फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्ट्रिंग असाइन करना पॉसिबल क्या, नहीं। तो पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स है ये डायनेमिक टाइप वेरिएबल्स है। कैसे डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स वैल्यू के बेसिस पर अपना टाइप चेंज कर लेते हैं, या वैल्यू के बेसिस पर इनका टाइप फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, इसलिए पाइथन को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज भी बोला जाता है, जो कि मैं जस्ट फीचर में डिस्कस करूंगा। चेक करते हैं सभी केस में सेम टाइप आएगा और डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट वन टेस्ट इंटीजर, सेकंड केस में इसका टाइप क्या है, फ्लोट। नेक्स्ट केस में टाइप क्या है, एस टी आर मीन्स स्ट्रिंग। एस टी आर भी पाइथन के अंदर जस्ट डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग को बिलोंग करता है, राइट। आप खुद ही देख पा रहे हैं पाइथन काफी सिंपल लैंग्वेज है। एक और केस देखते हैं इसके अंदर, इंटरेस्टिंग है। कभी भी टू वेरिएबल्स का मेमोरी एड्रेस सेम होता है क्या, नहीं। आपने देखा होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो सी की बात हो, सी प्लस प्लस और जावा, कभी भी टू डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का मेमोरी एड्रेस सेम नहीं हो सकता, नेवर।
मैंने यहाँ पर टू वेरिएबल्स क्रिएट किए एक्स एंड वाई, इन दोनों के वैल्यू सेम है या वैल्यू डिफरेंट है? वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, वैल्यू कैसे सो रहा है, जस्ट सेम। लेकिन मुझे अभी वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, वैल्यू तो अपने को क्लियरली सो रहा है 10 10। जस्ट वी वांट टू डिस्प्ले एड्रेस ऑफ एक्स एंड वी वांट टू डिस्प्ले एड्रेस ऑफ वाई। तो एड्रेस को डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट पाइथन ने कौन सा फंक्शन प्रोवाइड किया, टाइप फंक्शन। जस्ट मुझे ये भी नहीं पता है कि इनका एड्रेस क्या आएगा, क्योंकि एड्रेस को कभी भी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वन थिंग श्योर है, इन दोनों ही केसेस में एक्स और वाई का मेमोरी एड्रेस सेम आना चाहिए। चेक कर दें ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। किसी अदर लैंग्वेज की बात की जाए तो अदर लैंग्वेज के अंदर टू डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का एड्रेस सेम पॉसिबल नहीं, लेकिन पाइथन में चेक कर दें। अभी मैंने टाइप डिस्प्ले करा है, सॉरी नॉट एड्रेस। तो एड्रेस के लिए प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन नेम इज जस्ट आईडी, ठीक है। अगेन यहाँ पर चेक करो, दोनों ही वेरिएबल्स के केसेस में मेमोरी एड्रेस सेम आया है, डिफरेंट, एग्जैक्टली सेम, एक भी डिजिट चेंज हुआ है क्या इस केस में, नहीं, राइट। हो सकता है आप इस क्वेश्चन इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखकर आपको कंफ्यूजन भी हुआ हो, ये कैसे पॉसिबल है, टू वेरिएबल्स का एड्रेस कभी सेम हो ही नहीं सकता, नेवर। पाइथन में पॉसिबल है, इसके रीजंस आपको आगे की क्लासेस में मिल जाएंगे। एक जस्ट मैं स्मॉल सी प्रोग्राम टेस्ट करना चाहता हूँ, सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस के अंदर आई थिंक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ जस्ट रेफरेंस वेरिएबल्स, मैं सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ। सी या सी प्लस प्लस में अगर बात करें तो जनरली वेरिएबल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स, थ्री टाइप्स। मैं इतना तो एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको सी प्लस प्लस का अगर डेप्थ नॉलेज नहीं है, जस्ट मैं जानना चाहता हूँ बेसिक आइडिया, सिंपल बिगिनर लेवल, इस वेरिएबल डिक्लेरेशन लेवल। अगर सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल लेवल्स की बात करें तो एक्चुअली सी प्लस प्लस के अंदर थ्री टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक तो प्रिमिटिव वेरिएबल्स, दूसरा पॉइंटर वेरिएबल्स, राइट, पॉइंटर वेरिएबल्स। यहाँ पर एक्स क्या है, प्रिमिटिव, और पी स्टार के साथ डिक्लेयर हुआ, तो पी को आप क्या बोल सकते हैं, जस्ट पॉइंटर वेरिएबल्स। थर्ड वेरिएबल एस, इंट एम परसेंट ऑफ आर इक्वल्स टू एक्स, इस आर को किस कैटेगरी में रखोगे, कमेंट करके बता सकते हो। जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को इस चीज का आइडिया है, अगर आइडिया हो तो मैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। जैसे एक्स किस टाइप का वेरिएबल है, प्रिमिटिव, मींस वैल्यू को स्टोर करेगा। पी का टाइप क्या है, अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टार के थ्रू प्रोवाइड किया, दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इज नोन एज पॉइंटर वेरिएबल्स, राइट। अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टार ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड किया, सॉरी एम परसेंट के थ्रू, ये सी प्लस प्लस के अंदर वैलिड सिंटैक्स है। अगर आपको सी प्लस प्लस का थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया हुआ तो शायद आपने ऑपरेटर उसमें देखा हुआ, इस टाइप का डिक्लेरेशन सभी ने देखा हुआ, राइट, कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर आर किस टाइप की कैटेगरी में आता है, नो आइडिया, कोई बात नहीं, गुड। किस टाइप का वेरिएबल है, जस्ट रेफरेंस वेरिएबल, राइट, कैसा है, रेफरेंस। अगर इस प्लेस पर मैं सी प्लस प्लस एज अ सी प्लस प्लस प्रोग्रामर डिस्प्ले कराता हूं परसेंट यू एड्रेस ऑफ एक्स, प्रिंट परसेंट यू एड्रेस ऑफ आर, मींस मुझे अभी वेरिएबल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं जस्ट बात क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर को साइड में रख दो, एक्स एंड आर टू वेरिएबल्स हैं। एक्स का भी मैंने एड्रेस प्रिंट करने के लिए ट्राई किया और आर का भी एड्रेस डिस्प्ले करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर आपने कभी इसको जस्ट किया हो तो इस केस में भी सेम आउटपुट और सेम एड्रेस प्रिंट होता है। अगर आप यहाँ आउटपुट चेक करोगे एड्रेस क्या आएगा, वी डोंट नो, लेकिन इस केस में दोनों ही केसेस में एड्रेस कैसे आएंगे, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो काफी हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसकी अभी अपने को जानने की जरूरत नहीं। तो सेम है इसमें, फिलहाल पाइथन की बात कर रहा हूँ। पाइथन में अभी आपने देखा जस्ट टू वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में क्रिएट हो रहा है, मीन्स लेकिन दोनों ही केसेस में मैंने वैल्यू सेम असाइन की थी, तो आपने देखा वहां पर
उनके एड्रेसेस कैसे थे, सेम एड्रेस और डिफरेंट एड्रेस, जस्ट डिफरेंट एड्रेस। जैसे काफी पाइथन के केस में बात किया अंकर है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेम एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ये पाइथन का ग्रेट फीचर है, राइट। ग्रेट फीचर मीन्स इसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। इससे परफॉर्मेंस किस टाइप से इंप्रूव हो रहा है, जिस पाइथन फीचर्स में अपन डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अपना नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने जस्ट पाइथन के साथ आपको बेसिकली जस्ट फैमिलियर किया है विद डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। नेक्स्ट अपना मेन टॉपिक है पाइथन फीचर्स। मैं डायरेक्टली सबसे पहले आपको पाइथन फीचर पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ, उसका रीजन क्या है, अगर आप कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी समझ रहे हो या न्यू टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट किसी चीज में कब आता है, जब वो आपको अच्छा लगे, मतलब उसके अंदर कुछ स्पेशल हो। ये सभी जस्ट हो सकता है किसी ने आपको बोल दिया हो पाइथन मार्केट में काफी पॉपुलर है, आप लोगों को सीख लेना चाहिए। हो सकता है दूसरों के बोलने पर आपने इसको ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भी तो पता होना चाहिए पाइथन अगर ग्रेट लैंग्वेज है, काफी हॉट है, काफी पॉपुलर है, तो उसके पीछे रीजंस क्या है। जस्ट इट्स यूनिक फीचर्स मीन्स पाइथन के अंदर कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, राइट। जस्ट पाइथन फीचर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें से फर्स्ट फीचर मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो कि ऑलमोस्ट काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉमन है। तो आज की क्लास में जस्ट मैं फीचर्स लिस्ट ऑफ फीचर्स मेंशन कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट अपने जो कमिंग क्लासेस होंगे, नेक्स्ट कमिंग क्लासेस के अंदर फीचर्स विद एग्जांपल विद प्रैक्टिकल नॉलेज आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन कैसा है, जैसे आपने जावा के केस में सुना होगा, जावा कैसा है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट। जावा इज प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट, बट सी, सी कैसा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट। सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, लेकिन पाइथन किस कैटेगरी में आता है, पाइथन इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट। पाइथन भी कैसा लैंग्वेज है, ऑल्सो प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर आपके इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहेगा, अभी हो सकता है मोस्ट ऑफ पर्सन को ये भी ना पता हो कि प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंसी का मतलब क्या है। हो सकता है आपको प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंसी भी क्लियर हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इस फीचर का एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पर इंटरव्यू लेवल पर कई सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन वन बाई वन कवर करने वाले हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर इसका फुल नॉलेज आपको नेक्स्ट क्लास में डिलीवर करने वाला हूँ। सेम एज पाइथन इज पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की बात करें, अगर आप नेट पर भी ट्राई करोगे, गूगल करके चेक कर लेना, सी पोर्टेबल लैंग्वेज है या नॉन पोर्टेबल, आप लोग रिप्लाई करके बता सकते हो। मैं सी की बात कर रहा हूँ न कि जावा। सी लैंग्वेज कंपैरिजन हमेशा कमजोर इंसान से करो, अगर अपने आप को बेहतर दिखाना है कंपैरिजन किससे करो, कमजोर इंसान से। तो यहाँ पर जावा और सी के केस में मैं सी को ज्यादा कमजोर समझता हूँ, इसलिए कंपैरिजन में सी से ज्यादा पसंद करूंगा। मेरा मेन इंटेंशन ये नहीं कि किसको अच्छा दिखाना है किसको बुरा दिखाना है, मेरा मेन इंटेंशन है कि आपको एग्जैक्टली इस पॉइंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो मीनिंग क्लियर करने के लिए जस्ट मैं बेस्ट कंपैरिजन आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप यहाँ कंपैरिजन प्रॉपरली सीखना है, कंपेयर किससे करो, सी लैंग्वेज से, न कि जावा से। सी की बात की जाए, सी कैसा है, पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल, कोई बात नहीं, आपके पास गूगल बाबा होंगे, अभी गूगल में आप टाइप करके चेक कर सकते हो, अभी तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। जस्ट ये फीचर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से गूगल में सर्च करके आना, ठीक है। तो आप गूगल में जितने प्लेसेस पर भी इसका आंसर देखोगे, गूगल यही बोलेगा सी इज पोर्टेबल, राइट। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सी कंप्लीटली 100% पोर्टेबल नहीं, जस्ट नॉन पोर्टेबल। सी कैसा लैंग्वेज है, नॉन पोर्टेबल। आप बोलो सर आपके बोलने से क्या होता है, आप बोल दो सी मैंने बनाया, तो क्या आप लोग मान लोगे कि सी गिरधर सर ने बनाया, कभी नहीं मानोगे। लेकिन अगर मैं कोई पॉइंट बोलूंगा तो आपको विद एग्जांपल विद रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा, मीन्स आज मैं बोल रहा हूँ, जब मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगा कल आप भी बोलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कल की क्लास तक वेट करना होगा। सी का टाइप क्या है, नॉन पोर्टेबल, बट पाइथन इज पोर्टेबल, जावा इज ऑल्सो पोर्टेबल, नो डाउट। Then simple and easy to learn.
सिंपल एंड इजी टू लर्न। जैसा कि आपने देखा पाइथन के सिंटेक्स काफी सिंपल है, और भी कई सारे केसेस डिस्कस करूंगा इसके रिस्पेक्ट में, राइट। नेक्स्ट वन फ्रीवेयर। जहां पर फ्री वाला वर्ड आ जाता है वो हमेशा पॉपुलर होता है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड मिला आपको? फ्रीवेयर। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, इसका मीनिंग क्या है? जैसे पूरा डिस्कशन स्टार्टिंग से ए टू जेड आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। अब जिसमें एक बार मेंशन करना चाहता हूँ, जिससे आप जैसे इन वर्ड्स के साथ फैमिलियर रहो। नेक्स्ट फीचर डायनेमिक टाइप्ड चेक, डायनेमिक टाइप्ड चेक लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर जो डायनेमिक टाइप्ड है, हो सकता है कुछ लोगों में से जावा पढ़ चुके हो, उन लोगों के लिए इसमें कन्फ्यूजन रहा हो। तो जावा के केस में आपको बताया था लोडिंग प्रोसेस, लोडिंग में दो टाइप के लोडिंग पॉसिबल थे, स्टैटिक कोड लोडिंग, डायनेमिक कोड लोडिंग। लेकिन जो यहाँ पर मैं डायनेमिक टाइप फीचर डिस्कस कर रहा हूँ, इसका लोडिंग से कोई रिलेशन नहीं, एक्चुअली फीचर डेटा टाइप से रिलेटेड है, राइट। डेटा टाइप क्या? जस्ट डायनेमिक टाइप चेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस इंटरप्रेटेड। पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड, नॉट कंपाइल्ड। कंपाइलेशन भी पॉसिबल है, नो डाउट, ठीक है। आप ये भी नहीं बोल सकते पाइथन में कंपाइलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप पाइथन का कंपाइल्ड वर्जन यूज करना चाहते हो तो उसके साथ आपको यूज क्या करना? JIT। JIT आपके कॉलेज का नेम नहीं है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, विच इज ऑल्सो नोन एज पाई पाई कंपाइलर। इस कंपाइलर का नेम क्या? पाई पाई। इस कंपाइलर को इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीजंस क्या हैं? वो भी आपको जस्ट नेक्स्ट क्लासेस में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं यहाँ परफॉर्मेंस की बात करूँ, परफॉर्मेंस वाइज विच लैंग्वेज हाई परफॉर्मेंस, मीन सी क्या परफॉर्मेंस हाई हुआ या पाइथन का या फिर जावा? चलो मैं जावा से कंपेयर करता हूँ, जावा वर्सेस पाइथन। तो यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस किसका होना चाहिए? जावा और पाइथन। हाई परफॉर्मेंस जावा का होगा, हाई परफॉर्मेंस सी का होगा, हाई परफॉर्मेंस सी प्लस प्लस का होगा। मतलब ये पाइथन का एक ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज है, इट हैज पुअर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस वाइज इट इज नॉट अप टू द मार्क, याद रखना। उसके रीजन आप प्रैक्टिकली रियलाइज करोगे जब आप फ्यूचर क्लासेस कंटिन्यू रखोगे, उस केस में आपको रियलाइज हो जाएगा पाइथन का परफॉर्मेंस पुअरली क्यों कंसिडर होता है। उसके रीजन पीछे कई सारे प्रैक्टिकल रीजन है जो कि आपको कोडिंग वाइज ही आपके लिए एनालाइज करना पॉसिबल है, ठीक है। सबको डिस्कस किया जाएगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैसा है? जस्ट इंटरप्रेटेड। उसके अलावा ये लैंग्वेज कैसा है? एक्सटेंसिबल। कैसा है? एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। सेम एज एम्बेडेड। कैसा है? जस्ट एम्बेडेड। ये भी इसके ग्रेट फीचर्स हैं। ये टू ऐसे फीचर्स हैं जो जावा के अंदर भी पॉसिबल नहीं है, एक्सटेंसिबल एज वेल एज एम्बेडेड एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। इसका लाइब्रेरी सपोर्ट कैसा? जस्ट एक्सटेंसिव, ठीक है। अभी मैं इनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट डेज में आपको सब कुछ पॉइंट किया जाएगा। जस्ट एक अपने आप में कोई थ्योरी नहीं है, ये भी याद रखना, सारे पॉइंट्स प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मीन्स जनरली अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जस्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होते हैं? फंक्शनल, राइट। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर होते हैं जब प्रोसीजरल, ऑलमोस्ट देखा जाए तो फंक्शनल और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग सेम है। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होते हैं? जस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे जावा स्क्रिप्ट की बात करें, सेल स्क्रिप्ट की बात करें, पर्ल की बात करें, तो किस कैटेगरी में आता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन देखते हैं किस कैटेगरी में। सेम है, कुछ लैंग्वेज ऐसे भी हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में आते हैं, सम लैंग्वेज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन इनमें से पाइथन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? अरे तुक्के तो लगा सकते हो, हाँ। मान लो ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी। पाइथन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? पाइथन इज फंक्शनल और प्रोसीजरल और स्क्रिप्टिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या बोलना चाहो इसके बारे में? चलो एक और ऑप्शन देता हूं, ऑल ऑफ दीज। ये भी तो ऑप्शन हो सकता है, हाँ।
ये फाइव ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई। तुक्के लगाने में क्या जाता है, पता हो या ना पता हो हम बोल तो सकते हैं कम से कम, क्यों अभी मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है, वैसे मुझे कोई पूछने का भी हक है ही नहीं। ऑल ऑफ दिस, क्या बोलोगे करेक्ट आंसर क्या इसके लिए? जस्ट ऑल ऑफ दिस। इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे। पाइथन फंक्शनल लैंग्वेज भी है, प्रोसीजर भी है, स्क्रिप्टिंग भी है, ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड भी है। इस पाइथन इज ऑलराउंडर। पाइथन कैसा? जस्ट ऑलराउंडर, दैट्स इट। यहाँ पर जस्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड। इस स्पेसी में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँ जस्ट ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड, क्योंकि सभी फीचर्स में से ग्रेट कॉन्सेप्ट क्या ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड, लेकिन इसके साथ साथ मैं रिमेनिंग थिंग्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। दैट इज द यूनिक फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, ठीक है? इनको जस्ट नेक्स्ट क्लास में डेप्थ में कवर करने वाले हैं। अब आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करूंगा। आज के नोट्स और फोटो जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनको जस्ट मैं जिप फाइल के फॉर्म में सेंड करूंगा। ये भी आपको प्रॉब्लम होता है, जस्ट मैं जो भी कंटेंट सेंड करूंगा सब कुछ मेरे पास किस फॉर्म में? फोल्डर्स के फॉर्म में। अब इतना आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नेटवर्क में, व्हाट्सएप में या मेल आईडी के थ्रू कभी फोल्डर शेयर नहीं होते हैं। तो इसको मैं जो डेली मटेरियल रहेगा मैं कंप्रेस्ड फाइल के फॉर्म में आपको सेंड करूंगा। यहाँ पर मैं फॉर्मेट यूज करता हूँ जस्ट रार फाइल फॉर्मेट, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ केस मैंने देखा है फर्स्ट टाइम आपको ये फाइल एक्सेस करने में दिक्कत आती है, ओपन नहीं कर पाते, तो इसलिए आपके पीसी में या मोबाइल में कोई कम मीन्स फाइल को कंप्रेस्ड करने के लिए और अनकंप्रेस्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जस्ट विन रार, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद ही ये फाइल आपके लिए ओपन करना पॉसिबल होता है, जस्ट उसको डिकम्प्रेस करके ओपन करना पॉसिबल है। तो मैं अभी कंटेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, प्लस टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, लेकिन जो वीडियो रहेगा स्टार्टिंग के क्लासेस का, वीडियो में केवल टेलीग्राम ग्रुप में ही अपलोड करूंगा। व्हाट्सएप में नेटवर्क प्रॉब्लम आता है काफी केसेस में, ठीक है?